हेलो गाइस, वेलकम टू एसी टेक। मैं शैलेंद्र शेखावत, एसी टेक के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें हम देखने वाले हैं कि एक इंडोर यूनिट में से, स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट में से हम जो कॉइल है, कूलिंग कॉइल है, उसको बाहर कैसे निकालें। क्योंकि काफी बार ये होता है कि हमें कॉइल बाहर निकाल के सर्विस करनी पड़ती है, ज्यादा पुराना यूनिट है तो, और कई बार लीकेज हो जाता है कॉइल में, तो वो भी हमें बाहर निकाल के करना पड़ता है। और इसी के साथ हम देखेंगे कि उसका ब्लोअर किस तरह से निकाला जाए, क्योंकि काफी बार हमें जो ब्लोअर है, आइस होने की वजह से ब्लोअर टूट जाता है, तो ब्लोअर रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये भी हम आज प्रोसीजर इस प्रैक्टिकल वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो गाइज, इस यूनिट का जो ऊपर का कवर है, मैं फास्ट फॉरवर्ड में खोल देता हूँ। अगर आपको देखना है कि किस तरह से खोली जाए पूरी प्रोसीजर, ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, उसकी वीडियो मैंने पहले ही फुल लेंथ की वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। जब तक मैं ये बॉक्स ओपन करता हूं, आप नीचे जाके लाइक कर दीजिए, जो कि एकदम फ्री है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो बॉक्स से ऊपर का जो है कैबिनेट ओपन कर दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी कॉइल निकालने की क्या प्रोसीजर है। तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोदरेज का 1 टन का यूनिट है। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूं कि हमें क्या क्या ओपन करना पड़ेगा इसके लिए, अगर हमें कॉइल निकालनी है तो। तो सबसे पहले आपको यूनिट नीचे लेना होगा। नीचे लेने के लिए आपको यूनिट पम्प डाउन करना होगा, उसके बिना ये कॉइल निकलने वाली नहीं है। तो आपको सबसे पहले जो कॉइल नीचे लेनी पड़ेगी, जो इंडोर यूनिट है उसे नीचे लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये ऑपरेशन जो है वो कर सकते हैं इसके आगे का। तो देखिए, आप यहाँ पे कॉइल और बॉडी में जो स्क्रू है आपको सबसे पहले वो ओपन करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो स्क्रू है, तो अगर इनमें से आप एक भी ओपन कर देंगे तो ये बॉडी से अलग हो जाएगा। ओके, तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक स्क्रू है। ओके, और एक अंदर साइड भी एक स्क्रू लगा हुआ है, वो भी देख सकते हैं। और ये बैक साइड में कॉइल का जो स्क्रू है, ये बॉडी से कनेक्टेड है। तो ये साइड तो हो गया ये। ओके, अब मैं आपको लेफ्ट साइड में दिखा देता हूँ। काफी समय क्या होता है कि ये साइड में ही लीकेज होता है, ये यहाँ पे जो आप कॉइल देख रहे हैं, यहाँ पे लीकेज हो जाती है। तो ये ओपन करने के लिए भी आपको जो है कॉइल बाहर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्लास्टिक का पीस होता है, ये है ना, इसे आप निकालेंगे और फिर बाद में ब्रेजिंग करेंगे तो दिक्कत होती है। तो जैसे देख सकते हैं, दो स्क्रू लगे हुए हैं अंदर। ओके, एक ये साइड है और एक ये अंदर साइड है। तो ये दोनों स्क्रू भी खोलने होंगे हमें। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये जो लॉक है, ये ऊपर, हम कॉइल को ऊपर करेंगे तो ये निकल जाएगा। और बैक साइड में एक लॉक होता है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। यहाँ पे बैक साइड में एक लॉक होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि यूनिट जो है हमें बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो आप ट्यूब वगैरह इसके साथ ही आएंगी, तो आपको यूनिट नीचे निकालना जरूरी है अगर आपको कॉइल निकालनी है तो। और मैं आपको ब्लोअर का बता दूँ कि कॉइल निकलेगी, उसके बाद ये ब्लोअर भी वहाँ से निकल जाएगा, अगर आप यहाँ से मोटर खोलते हैं। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि इसकी मोटर किस तरह से बाहर निकाली जाए। तो उस केस में अगर आपको ब्लोअर निकालना है तो आपको कॉइल निकालनी पड़ेगी, और उसके पहले ये आपको मोटर भी निकाल देनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा कि ब्लोअर फ्री हो जाएगा, फिर जैसे ही आप ये कॉइल उठाएंगे तो ब्लोअर अपना बाहर आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद हम लोग जो स्क्रूज है, मैं इसे ओपन करता हूँ, उसके बाद हम आगे की प्रोसीजर देखते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कॉइल है पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुकी है बॉडी से। अभी हमें इसे बाहर किस तरह से निकालना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि बैक साइड में एक लॉक होता है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ बैक साइड में कहाँ पर लॉक है वो। ओके, तो यूनिट को हम थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। मैं अब आपको ये बैक साइड का ये लॉक दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये जो लॉक है ये बैक साइड में होता है। ओके, तो इसे आपको ओपन करना होगा ताकि ये जो कॉयल है बाहर आ जाए। तो गाइस, हमें ये लॉक निकालना है ताकि ये जो कॉयल है यहाँ से ऐसे बाहर आ जाए। तो ये नॉर्मली प्रेस फिटेड होता है, नहीं तो कुछ कुछ यूनिट में यहाँ पर एक प्लास्टिक का जो है एक ब्रैकेट होता है, तो उसे भी हम स्क्रू, यहाँ पे दो स्क्रू होते हैं उसे खोल के हम निकाल सकते हैं। और ये एक ओपन टाइप ऐसा होता है, इसको प्रेस किया और ये निकल गया, तो ये पूरा फिटिंग बाहर निकल जाती है। तो अब क्या है, कॉयल के साथ ये पूरी जो यूनिट है बाहर आ जाएगी। तो अब हमारी जो कॉइल है वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुकी है जो मेन बॉडी है इससे। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। तो गाइस, सबसे पहले आप दोनों कॉर्नर से उठा के देख लीजिए कि जो कॉइल है वो बराबर उठ रही है क्या नहीं। अभी यहाँ से देख सकते हैं, ये कॉइल उठ रही है बराबर, यानी ये निकल सकती है। अभी इसमें कुछ स्क्रू वगैरह कहीं पे भी नहीं है, एक भी बचा हुआ। क्योंकि कई बार होता ही है कि स्क्रू वगैरह अलग अलग जगह पर होते हैं तो वो निकल नहीं पाते हैं। हाँ, तो इससे ये साइड भी हम उठा के देख लेते हैं बराबर। देखिए अभी बराबर यूनिट हिल रहा है, इसका मतलब ये जो कॉयल है निकल जाएगी। तो अब हम जो पीछे की लाइन है उसको पकड़ेंगे और बाहर साइड करेंगे उसको। ओके, तो अब देखिए पीछे की लाइन भी आप पकड़ेंगे साथ में। ओके, देखिए तो दोनों लाइन हमने दोनों साइड से साथ में उठाया और उसके बाद जो हमारी ये कॉयल है बाहर आ गई है। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आई है। तो इसी तरह से मैंने जैसा आपको बताया था, आप ब्लोअर भी निकाल सकते हैं फिर, है ना। अगर आपको ब्लोअर निकालना है तो ये आपको ब्लोअर की एक्सेस मिल गई है, यहाँ से आप स्क्रू खोल दीजिए ये। ओके, तो यहाँ से ये मोटर पहले निकल जाएगी, बैक साइड आपको ओपन करना पड़ेगा, ये भी हटाना पड़ेगा, तो मोटर निकलेगी पहले, उसके बाद में ये ब्लोअर निकल जाएगा बाहर। तो फ्रेंड्स, और कई बार होता क्या है कि यूनिट में ना बारीक एक आवाज आने लगती है ब्लोअर घूमने की वजह से। तो यहाँ पे जो एक बुश होता है, ये कॉर्नर में बुश होता है। ओके, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो बुश खाने की वजह से ये आवाज आने लगती है। तो यहाँ का जो बुश है आपको वो भी चेंज करना होगा, तो भी आपको ये प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। और ये बुश अगर आप आवाज आ रही है और आपके पास नया बुश नहीं है, तो जब तक नया बुश नहीं आ जाता, जब तक आप इसके अंदर ग्रीस भी डाल देंगे तो भी ये चलता रहेगा, कुछ जल्दी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये है कूलिंग कॉइल। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इस कूलिंग कॉइल को हम क्लीन करेंगे। हम वॉशरूम में ले जाएंगे इसे और क्लीन करेंगे। इस यूनिट में लीकेज तो नहीं है, तो इसीलिए मैं लीकेज की वीडियो तो नहीं बना सकता हूँ अभी। अगर आपके यूनिट में लीकेज होता है तो यहाँ से आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये प्लास्टिक का पोर्शन भी आप खोल दीजिए, है ना, और ये साइड भी प्लास्टिक है, ये भी अभी इजीली बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसमें और स्क्रू नहीं है, प्रेस फिटेड है। तो ये निकलने के बाद आप ये साइड भी जो है लीक रिपेयरिंग, अगर कहीं पर लीक हो जाता है तो उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़े डस्ट वगैरह है, तो हमने अगर ये कॉइल निकाली है बाहर, तो हम लोग वॉशरूम में लेके जाके क्लीन कर लेते हैं। आप देखिए किस तरह से करते हैं क्लीन, और उसके बाद में मैं ये जो कॉइल है वापस से यूनिट के अंदर असेंबल कर दूंगा। वाटर वॉश करने से पहले हमेशा आप याद रखिए जो इसकी दोनों लाइन्स हैं। ओके, हमने पहले ही इसकी लाइन्स पंप डाउन करते वक्त ही टेप के जरिए अच्छे तरीके से सील कर दी थी। आपने देखा कि किस तरह से हम ब्लोअर और जो कॉइल है उसे अलग कर सकते हैं, और आपने ये भी देखा कि किस तरह से हमने उसकी क्लीनिंग की। तो आइए अभी इसे पूरी तरीके से फिटिंग कर देते हैं।
तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं सभी जो होल है स्क्रूज के होल है उनके होल मैच हो गए हैं स्क्रूज के। ओके तो आप फिटिंग करने से पहले ये देख लीजिए कि कहीं कोई स्क्रू का जो होल है वो मिसिंग तो नहीं हो रहा है या वहाँ तो नहीं है, नहीं तो आप फिटिंग कर देंगे तो बाद में वाटर लीकेज की इश्यू आ सकती है। इसके बाद हम देखते हैं और बैक साइड का जो लॉक है प्लास्टिक का लॉक है वो हम सबसे पहले लगा देंगे। तो वह मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से लगाना है ये लॉक। ओके तो देखिए ये इसे हमें इस तरह से ये जो लॉक था हमने लास्ट टाइम निकाला था ओके निकालते वक्त तो इसको इस तरह से इसमें डाल देंगे। ओके और ये इजीली इसे आप नीचे की तरफ दबा दीजिए, देखें इस तरह से ये लॉक लग जाता है। ओके इसके बाद में हम जो है सारे स्क्रूज लगा देते हैं। तो गाइस अभी आपने देखा है किस तरह से हमने जो इवोपरेटर कॉइल है वो बाहर निकाली और वापस उसे इंस्टॉल कर दिया। तो इसी तरह से आप जो ब्लोअर भी है वो भी दिखाया मैंने आपको कि किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स वक्त आ गया है आपसे अलविदा लेने का, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा।